वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल टिप्स। आज हम लोग व्हाट्सअप कैलकुलेशन एंड साइंस का मैथमेटिक पोर्शन कर रहे हैं, इसका परसेंटेज चैप्टर हम कर रहे हैं। ओके, तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, मैंने कल पार्ट वन इसका डाला था, आज पार्ट टू होने जा रहा है। आप सभी लोग जो RRB ग्रुप डी NTPC के लिए तैयारी कर रहे हैं या तो फिर HBI क्लार्क के लिए तैयारी कर रहे हैं, वो लोगों को भी हम बताना चाहते हैं कि आप लोग ये वीडियो देखिए, आपका बहुत काम के होने वाला है ये वीडियो। ओके, तो चलिए फटाफट वीडियो शुरू करते हैं। गाइस, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन में आ गया है। टू नंबर्स आर लेस देन ए थर्ड नंबर बाय 30% एंड 37% रेस्पेक्टिवली। हाउ मच परसेंट इज द सेकेंड नंबर लेस देन द फर्स्ट। देखिए, ये वाला क्वेश्चन रेलवे 2006 में पूछा गया था। ओके, तो क्वेश्चन में क्या कहा गया है, देखिए कि दो नंबर है, फर्स्ट नंबर जो है वो तीसरा एक नंबर है उससे 30% कम है, और दूसरा नंबर जो है, दूसरा नंबर तीसरा नंबर से 37% कम है। ओके, तो हमें निकालना है कि वो दूसरा वाला नंबर पहले वाला नंबर से कितना कम है, ये हमें निकालना है। ठीक है, तो देखिए ये वाला क्वेश्चन का आंसर करने के लिए हम एज्यूम कर लेते हैं कि हमारा थर्ड नंबर जो है वो 100 है। ओके, लेट एज्यूम थर्ड नंबर इक्वल टू 100। तो देखिए, अभी थर्ड नंबर 100 आ जाएगा तो हमारा फर्स्ट नंबर कितना आएगा, फर्स्ट नंबर क्या कहा गया था कि 30% कम है ना, तो 100 से 30% कम आएगा तो उसका मतलब क्या आ जाएगा, 100 माइनस 30 इक्वल टू 70। सेम प्रोसेस में सेकंड नंबर क्या आएगा, सेकंड नंबर इक्वल टू, देखिए सेकंड नंबर थर्ड नंबर से 37% कम है तो 37 हम डिडक्ट कर देते हैं तो कितना आ जाएगा, 63। तो अभी हमें निकालना है कि ये सेकंड नंबर फर्स्ट नंबर से कितना कम है, तो देखिए ये 63 है और ये 70 है, तो टोटल कितना कम आ रहा है, 70 माइनस 63 इक्वल टू 7। तो देखिए 70 फर्स्ट नंबर हमारा कितना है, 70, तो 70 से वो 7 कम हो रहा है तो एक में कितना कम आएगा, 7/70। और हमारा परसेंटेज निकालने के लिए कहा गया है इधर, तो परसेंटेज कितना आएगा, परसेंटेज निकालने के लिए 100 में निकालना हमें चाहिए। ये बात ध्यान रखना, किसी भी चीज का परसेंटेज निकालना है तो उसको 100 में कैलकुलेशन करना चाहिए। ओके, कि 100 में से कितना आ रहा है, तो 100 में से कितना आएगा, देखिए 100 से इंटू हो जाएगा है ना, क्योंकि एक से कम होता है, 70 में जितना आ रहा है एक से उसका कम आएगा, कम आने से हम डिवाइड कर दिया है, और 100 में से कितना आएगा, उससे ज्यादा आएगा, तो ज्यादा आने से हम क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया है। ओके, तो अभी देखिए इसका कैलकुलेशन करते हैं, 0 0 कैंसिल, 7 7 कैंसिल इक्वल टू 10, तो हमारा आंसर आ जाएगा, रिजल्ट कितना आ जाएगा, 10%। ओके, ये हमारा आंसर हो जाएगा, तो सेकेंड नंबर फर्स्ट नंबर से 10% कम है। ओके, तो देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन में आ गया है। ये हमारा एक व्यूअर्स का क्वेश्चन है, पिछले वीडियो के कमेंट में वो वाला व्यूअर्स बताया था, नाम से एक शाहजान था, वो कमेंट किया था कि एक क्वेश्चन है, देखिए स्क्रीन में क्या आ गया है। 450 का 27% माइनस 370 का व्हाट परसेंट इक्वल टू 76.5। तो देखिए इसका सॉल्यूशन करने के लिए हम क्या करेंगे, हमें कहा गया है 450 ऑफ 27%, 450 ऑफ 27% माइनस 375 ऑफ क्वेश्चन मार्क परसेंटेज इक्वल टू 76.5। तो हम एज्यूम कर लेते हैं कि क्वेश्चन मार्क की जगह एक्स आ जाएगा। ओके, तो लेट इधर हम एक्स पकड़कर कैलकुलेशन करते हैं। ओके, तो एक्स का वैल्यू निकालने से हमारा ये क्वेश्चन मार्क का आंसर आ जाएगा। तो देखिए क्या आ रहा है, हम सिंपल सा क्वेश्चन मार्क की जगह एक्स
पुट कर देते हैं। ओके एक्स परसेंट इक्वल टू 76.5। तो अभी देखिए सिंपल कैलकुलेशन है, 450 ऑफ है, ऑफ का मतलब इनटू आ जाता है, 27% है तो 27/100 परसेंटेज को कैंसिल करना है तो नीचे 100 लेना है हमें, हम पहले भी बताया था। 375 ऑफ है तो इनटू कर देते हैं, एक्स परसेंट है मतलब एक्स बाई 100 इक्वल टू 76.5। तो अभी देखिए हम कैलकुलेशन कर रहे हैं, 0 0 कैंसिल हो गया, इधर 45 है इधर 10 है, तो हम 5 से इसे काट देते हैं, 5 से काटने से नीचे 2 आ जाएगा और ऊपर 9 आ जाएगा। ओके तो अभी कैलकुलेशन कीजिए, देखिए 9 × 27 कितना आ जाएगा, 9 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 9 7 63 3, ये आ जाएगा 24 बाई, नीचे 2 रह जाएगा। ओके माइनस ये वाला को कैलकुलेशन कीजिए, 375 और 100 हम 25 देकर कैंसिल कर रहे हैं, 25 से नीचे आ जाएगा कितना, 25 × 4 इक्वल टू 100 और ऊपर आ जाएगा, 25 से हम कैंसिल करेंगे तो 15 आ जाएगा हमारा। ओके तो ये वाला पोर्शन में कितना आ रहा है, 15x/4 इक्वल टू 76.5। तो अभी देखिए ये दूसरा वाला पार्ट राइट हैंड साइड हमारा पॉइंट से है, तो हम ए वाला पार्ट को भी पॉइंट बना लेते हैं। ओके पॉइंट बनाने से कितना आएगा, 243/2, 2 × 2, 2 × 4, 2 × 2.5। तो ए वाला पार्ट का हम कैलकुलेशन करेंगे पॉइंट में, तो हमारा आ जाएगा 121.5 माइनस 15x/4। ए वाला पॉइंट में क्यों बनाया, कि राइट हैंड साइड में हमारा पॉइंट है तो हमारा कैलकुलेशन आसान हो जाएगा, इसलिए हम पॉइंट बना दिया है। ओके तो देखिए अभी ए वाला पार्ट को हम राइट हैंड साइड में ले जा रहे हैं, तो इधर देखिए वो प्लस था, 121.5 हमारा प्लस था, वो इधर आकर माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये तो आप सभी लोगों को मालूम है, 121.5। देखिए हम डिटेल्स में करा रहे हैं स्टेप बाय स्टेप, आप लोगों को समझने में कोई भी प्रॉब्लम आ जाए तो वीडियो में कमेंट जरूर करना। ओके देखिए ये वाला माइनस हम करेंगे तो आंसर हमारा माइनस में आएगा, क्योंकि 121.5 76.5 से ज्यादा है, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, कैलकुलेशन करो, उधर आ जाएगा 24 के बाद आ जाएगा 45। ओके तो देखिए माइनस माइनस कैंसिल हो गया है, अभी 15 और 45 कैंसिल कर दिया तो ऊपर आ जाएगा 3, तो हमारा एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा, एक्स इक्वल टू नीचे 4 है, 4 को हम इस तरफ से मल्टीप्लाई कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, नीचे वाला पोर्शन के साथ ऊपर वाला पोर्शन मल्टीप्लाई हो जाता है हमारा, तो 3 × 4 = 12 आ गया हमारा आंसर। ओके तो हमारा आंसर आ जाएगा 12%, मतलब वो क्वेश्चन मार्क की जगह आ जाएगा 12। ओके तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा स्क्रीन में आ गया है, ये भी हमारा शेख शाहजहान नाम का व्यूअर्स का क्वेश्चन है, हम आप सभी लोगों को बताना चाहते हैं कि हम परसेंटेज का मैथ करा रहे हैं, आप लोगों का भी कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट जरूर करना, वो वाला मैथ को हम दूसरे वीडियो में उसका सॉल्यूशन जरूर निकाल देंगे। ओके तो देखिए क्वेश्चन क्या है, सेविंग ऑफ ए इज 40% लेस देन बी, सेविंग ऑफ बी इज हाउ मच ग्रेटर देन सेविंग ऑफ ए। तो हमें क्या कहा गया है कि ए का सेविंग बी से 40% कम है। ओके तो बी का सेविंग ए से कितना परसेंट ज्यादा है, तो देखिए इसका आंसर करने के लिए हम क्या करेंगे, हम एज्यूम कर लेते कि बी का सेविंग है 100। ओके लेट सेविंग ऑफ बी इक्वल टू 100 रुपीज। ओके तो क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि ए का सेविंग बी से 40% कम है, तो 40% कम है तो ए का सेविंग कितना आएगा, सेविंग ऑफ ए
इक्वल टू 100 माइनस 40 आ जाएगा इक्वल टू 60 रुपीज। ओके तो देखिए ए का सेविंग आ गया 60 रुपीज। तो हमें क्वेश्चन में कहा गया है कि सेविंग ऑफ बी इज हाउ मच ग्रेटर देन सेविंग ऑफ ए। तो बी का सेविंग ए से कितना परसेंट ज्यादा है ए हमें निकालना है। तो बी का सेविंग कितना परसेंट ग्रेटर हो रहा है, 40%। इधर कैलकुलेशन कर लेते हैं, देखिए सेविंग ऑफ बी इज ग्रेटर, ग्रेटर मतलब ज्यादा, ओके, ग्रेटर देन ए इक्वल टू कितना आ जाएगा 100 माइनस 60। दोनों का सेविंग हम डिडक्शन कर दिया तो हाँ रिजल्ट आ गया 40। ओके 40 रुपीज। तो देखिए ए का टोटल सेविंग कितना है 60। तो 60 में से कम हो रहा है 40। एक में कितना आएगा, एक में कम आ जाएगा 60 बाई 40 बाई 60। और 100 में कितना आ जाएगा, ज्यादा होगा, तो 40 बाई 60 इंटू 100। तो अभी कैलकुलेशन कीजिए, 0 0 कैंसिल, 2 से कैंसिल किए 2 आ गया 3 आ गया और नहीं आ रहा है, कैलकुलेशन नहीं जा रहा है। तो ऊपर आ गया 200 और नीचे 3 इक्वल टू 66 एंड 2/3%। तो ए आ जाएगा हमारा आंसर कि बी का सेविंग ए से 66 एंड 2/3% ज्यादा है। ओके तो ध्यान से देखना हम क्या किया है, हमें ए का बेस में चाहा, आंसर जो था वो ए का बेस से निकालना था कि ए का सेविंग से कितना ज्यादा है। तो ए को हम बेस मान लिया, मतलब 60 में कितना ज्यादा हो रहा है, इसे ऐसे कैलकुलेशन हम किया है। ओके आई होप सभी को समझ में आ गया है। अगर कोई प्रॉब्लम आ रहा है समझ में तो आप क्वेश्चन नंबर पकड़ कर कॉमेंट कर दीजिए कि ए वाला क्वेश्चन हमें समझ में नहीं आया है, तो वो हम दूसरे वीडियो में जरूर डिस्कस कर देंगे। ओके तो आज इतना ही रहता है गाइज, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे परसेंटेज का और बढ़िया बढ़िया मैथ लेकर। आप लोगों का कोई दिक्कत है तो कमेंट जरूर कीजिए, और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करना, और हमारा चैनल टेक्निकल टिप्स फॉर आईटीआई कैंडिडेट ए वाला चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि इसी चैनल में हम आईटीआई की सिलेबस के अनुसार वीडियो रेगुलर डालते हैं, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी अभी मैथ चालू हो गया है। ओके थैंक यू गाइज़।